अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ के न्यू एरा सेंट्रल स्कूल में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक संतोष बावरी, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव कुलदीप इंदौरा, नगरपालिका अध्यक्ष निर्मला गोदारा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावकों सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना जलवा दिखाया, जिसे देखकर आए हुए मेहमानों ने बच्चों व स्कूल स्टाफ की मेहनत को काबिले तारीफ बताया। कुलदीप इंदौरा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को हुनर तराशने का मौका मिलता है। ऐसे कार्यक्रम से अनेक प्रतिभाएं निखर कर आती हैं, जो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व नेशनल लेवल तक अपना परचम लहराते हैं। अनूपगढ़ ज्योति की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें संबल मिलता है। और आइए देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता मलकीत सिंह की। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं यहाँ के शाला आयोजकों को अपनी ओर से तय दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो कल्चर प्रोग्राम, जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति उत्साहित करना और एक संदेश देना, यहाँ जो रंगमंच के माध्यम से और जिस प्रकार से संस्था ने ये तय किया है कि एक जागरूकता का अभियान भी यहाँ से एक संदेश के रूप में जाए, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की बात है, चाहे पानी बचाओ उससे संबंधित बात है, या जो जीवन में जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसे प्लास्टिक से संबंधित जो भी थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, इन सब के बारे में एक जागरूकता करने का जो आज कार्यक्रम तय किया है, इस बात के लिए मैं इस संस्था को, यहाँ के आयोजकों को इस बात की बधाई देते हुए शुभकामना देता हूँ कि इसका एक अच्छा संदेश यहाँ अभिभावक जो इकट्ठे हुए हैं, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके, उनमें एक संदेश जाएगा, इसका प्रचार प्रसार होगा, इसका सीधा लाभ हमारे पर्यावरण को और हमारे लोगों को मिलेगा, मेरा ये मानना है। सर, इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और बच्चों को इस कार्यक्रम से प्रेरणा भी मिलती है और संदेश भी देने का एक मौका मिलता है। और रंगमंच या मंच एक माध्यम है, बच्चों की जो झिझक है, बच्चों की जो जागरूकता की आवश्यकता है, या बच्चे अपने आप की परफॉर्मेंस जो कई बार होते हुए भी नहीं दिखा पाते, अगर उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिसका कई बार इतना फ़ायदा मिलता है कि वो स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ सकता है। उसे अवसर मिलना अति आवश्यक है और ये एक मंच ऐसा होता है जो अवसर देता है, प्रतिभाओं को मौका देता है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है, अच्छी सोच है, जिससे बच्चों को नया उत्साह, नई शक्ति, नया रास्ता आगे बढ़ने का मिलेगा, मेरा ये मानना है। प्रोग्राम का उद्देश्य है कि बच्चों को स्टेज पर, रंगमंच पर आने का अवसर देना, वो अपने आइटम से जो भी वो करें उसके द्वारा उनमें उनका उत्साह बढ़े और वो जाने। आज की हमारे आइटम प्रोग्राम में, फंक्शन में कई ऐसी थीम है, जैसे सेव वाटर, सेव ट्री और मोबाइल थीम, और मैं आपको बताऊं ये प्लास्टिक उसके ऊपर है। इससे क्या है, स्टेज पे तो परफॉर्मेंस होगी उनकी, लेकिन उनका नॉलेज भी बढ़ेगा आइटम के द्वारा। और मैं आज के जो हमारे पेरेंट्स आए हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि वो अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम में आए हैं बड़ी संख्या में। बच्चों द्वारा क्या क्या प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी? बच्चों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी प्रेयर डांस, प्लास्टिक बैन के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, और बेटी बचाने के लिए, और पानी बचाने के लिए, मतलब हर तरह के। और भारतीय संस्कृति की झलक भी है कई डांसेज में, उसमें हम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब सब की है।
मैं रेणु शर्मा बाइक राइडर अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें और इसके वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।